वेलकम बैक एंड दिस इज़ मोहम्मद अली। लास्ट वीडियो में मैं बता रहा था कि RX 100 जो उधर खड़ी है तो आ गई गैराज पे। इसका जो मेन प्रॉब्लम है क्लच का राइजिंग हो रही थी। अभी तो टेस्टिंग के लिए टाइम नहीं है तो अभी मैं जो क्लच का इशू है वो मैं क्लियर करने वाला। ओके गाड़ी अंदर लाते हैं। ये जो गाड़ी का ओनर निशांत और इन्हीं की गाड़ी है तो काम शुरू होने वाला है। सिर्फ मुझे अभी हेल्प कर रहे हैं, अकेला हूँ तो ओरिजिनल यामाहा स्पेयर्स और प्रेशर प्लेट्स इसको चेंज करेंगे तो गाड़ी ठीक हो जाएगी। ये फिट होने के बाद हमें टेस्ट ड्राइव के लिए जाएंगे। समझ लो क्लच कवर खोलना बोले तो ये जो किकर जो अलंकी का किक बोल्ट आता है इसको निकालना, पहले किकर इसको निकालना है। उसके बाद ये जो स्क्रूज खोलने के लिए स्पेशल टूल्स रहेगा, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट टूल। इसके लिए ही मैं ख़रीदा हूँ ये जो इम्पैक्ट टूल, आपको दिखा रहे हैं। ये ऐसा रहता है, एज बिट यूज़ होने वाला। इसको इसका जो होल्डर है जो बिट कनेक्टर इसमें ऐसा बैठता और इसके बाद ये ऐसा बैठता। एक रहम का एक किस्म का टॉर्क टूल है तो टाइट बैठने वाले स्क्रूज इसमें आसान से खुल जाते हैं, मल्टीपर्पज। और अंदर जो क्लच फेसिंग के जो ब्लाशर निकालना तो ये जो होल्डर आता है इसको भी लेना, ये और ये और एलन की जो ये टूल। जो इम्पैक्ट टूल इसके लिए जो हाफ साइज भी आता है, लेंथ वाला भी आता है। अभी मैं लेंथ वाला यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसे, और इसको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे पकड़ के इसको हिट करना है, इधर हिट करना है। जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हिट करेंगे तो खुल जाता है, जितना भी टाइट रहता है स्क्रू खुल जाती है। देख लो सी दैट, खुल गई। क्लच प्लेट्स, प्रेशर प्लेट्स इसको निकालना तो ये जो 8mm के 4 बोल्ट्स आते हैं विथ वॉशर एंड स्प्रिंग इसको निकालना है। इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट बिठाने के लिए ये काफ़ी है, इतना ही खोलना। हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत हियर एंड दिस इज माय बाइक। वी आर गोना रिप्लेस द क्लच प्लेट एंड द प्रेशर प्लेट। दिस वन यू सी हियर, दिस इज द क्लच प्लेट एंड दिस वन राइट हियर इट इज द प्रेशर प्लेट। फर्स्ट यू हैव टू पुट द क्लच प्लेट, be careful, you'll have to know the alignment how you are putting it. And then this is the pressure plate,
पे। जोस है। दिस इज द क्लच पुश पिन। यू सी, यू शुड नेवर फॉरगेट इंस्टॉलिंग दिस। या यू सी दिस डॉट राइट हियर, इट शुड मैच दिस एरो मार्क। सो इंसर्ट दैट करेक्टली सो दैट इट मैचेस द एरो मार्क। वॉश द स्प्रिंग्स एंड नट्स विथ पेट्रोल नीटली एंड देन फिक्स देम। You have to tight these bolts. Make sure you tight them in the opposite direction. क्लच प्लेट बिठाने के बाद इधर भी जो एडजस्टर रहता है इसको भी थोड़ा टाइट करना है, तो आपको क्लच का लाइफ ज़्यादा मिल जाएगा। एकदम हार्ड हो जाएगा क्लच, बोले तो टाइट रहेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़बरदस्त रहती है। तो इसे होल्ड करना, स्क्रू जैसे वाली को, इसको टाइट कर लेना। முன்னாடியா
Okay, क्लच का काम हो गया तो मैं नहीं किया, बंदे ने किया, निशांत उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं बिठाता हूँ। मैं सिर्फ बोल के गया था ऐसे ऐसे बिठाना, मेरे को थोड़ा काम था बाहर जाके, नहीं तक वो संभल कर दिया है। और टेस्ट ड्राइव तो वो भी अच्छा है, एक हिसाब से अच्छा है, राइजिंग उतना नहीं है, तो थोड़ा सीटिंग के बाद राइजिंग बंद हो जाएगी। ओके, फॉर टुडे दैट्स इट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।